अनदर एपिसोड एंड टुडे वी आर गोइंग टू हैव अ लुक एट अ फूड ओजनाइजर। जी हाँ दोस्तों, हम लोग आज एक फूड ओजनाइजर के बारे में देखने वाले। फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू टेल यू व्हाट इज द प्रॉब्लम विद ऑल द फ्रूट्स। एज यू कैन सी देयर इज लॉट ऑफ पेस्टिसाइड ऑन दिस पीच और प्लम। यू कैन सी देयर आर वेरी मच केमिकल्स दैट आर प्रेजेंट ऑन दिस प्लम। So we need something either sometimes after washing with normal water also this chemicals does not get removed. So what we are going to do is that we are going to wash some vegetables and we are going to wash some fruits and we are going to see a live demo of this ozonizer. This ozonizer is basically from the company called LexCrew and its name is Save Ozone. So we are going to wash this mushrooms also. Some mushrooms I've got over here which are dirty, which I came from the factory itself, and some plum is there, some other fruits are there. So friends, let's get started without wasting any time. Chalo in sabko is ozonizer ke saath mein wash karte hain. Chaliye dosto iska unboxing karte hain. Bahut hi bada box hai. चलिए दोस्तों, अभी हम लोग वॉशिंग शुरू करते हैं इसके साथ में। तो सबसे पहले हमें इसको खोलना होगा, मशीन को। यहाँ से खुल जाता है ये, और थोड़ा सा नज़दीक लेके जाऊँगा कैमरे को। इसके बास्केट है ये, इसके बास्केट के अंदर हम लोग सबसे पहले जो फ्रूट्स हमें रखने हैं वो रखेंगे। देखिए ये प्लम, जिसके ऊपर बहुत सारा पेस्टिसाइड, वी हैव लॉट ऑफ पेस्टिसाइड ऑन दिस प्लम। व्हाट यू कॉल इट, प्लम और पीच, प्लम, यस प्लम। तो देखिए इसके ऊपर कितना सारा केमिकल्स पेस्टिसाइड्स है। आप इसको हम लोग रेगुलर पानी से धोएंगे तो ये शायद निकल जाएगा, लेकिन आपकी आंखों से दिखेगा निकल गया है, लेकिन अंदर तो रहेगा ही वो। सो फ्रेंड्स, वी यू कैन पुट 1.5 kg, एक 1.5 kg के ऊपर इसमें हम लोग नहीं डाल सकते एक साइकिल में, उससे ज़्यादा। सॉरी, मेन इंग्रेडिएंट रह गया, इसमें हमें पानी डालना होगा अप टू द लेवल इट इज गिवन ओवर हियर। कैन सी ओवर हियर फिल लाइन। सो आई थिंक दिस बास्केट इज ऑल्सो रिमूवेबल, यू कैन रिमूव दिस बास्केट ऑल्सो। ओके, एंड देर इज वन फिल्टर इज देयर ओवर हियर फॉर क्लीनिंग पर्पज, एंड दिस इज द मेन रोटेटिंग मैकेनिज्म। कैन सी एक फिल्टर है जो ओजोनाइजेशन गैस प्रोड्यूस करता होगा यहाँ से। ओके, तो ये बास्केट भी रिमूवेबल है, इसको हमने फिर से डाल दिया। इसमें अभी हम लोग पानी डालेंगे। ओके दोस्तों, और ये इसका ड्रेन पाइप है जो हम लोग वापस डाल देंगे नीचे बकेट में। इसको मैं बंद कर देता हूँ। So we are going to make it power it on and start it. So I'll select the program for intensive and I'll start it. So now the washing cycle has started. हम लोग इस कैमरे से ज़रा देख लेते हैं, मोबाइल कैमरे से, कि किस तरह से वो वॉशिंग जो है कर रहा है। जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ब्लिंकिंग हो रहा है इंटेंसिव का, और यहाँ पे वो वॉशिंग कर रहा है। गैस भी है जो धीरे धीरे उसके अंदर मिक्स हो रही है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने ड्रेन के लिए रखा हुआ है, जो पानी है वो ड्रेन यहाँ से निकलेगा। सो दोस्तों, ये साइकिल है कुछ मिनटों की, वॉशिंग साइकिल है कंप्लीट।
और सका के जब ये वॉशिंग चालू होगी तो ये कहीं ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पे वेंटिलेशन हो प्रॉपर, कि अगर उसमें से ओजोन लॉस गैस आती भी है तो प्रॉपर वेंटिलेशन जगह पे होगा तो वो निकल जाता है गैस। The dirty water has came out of the drain and smell of ozone gas is also coming. Okay friends, so let's open up and have a look inside. It's looking very mushrooms are, you can see, looking very good. Okay, we'll leave it for some time. You can see the plums also. Most of them are cleaned. Little bit is remaining that we can clean it up with water. Can see friends, almost 80-90% all the chemicals have been removed. Other little bit remainings we can remove with a little piece of cloth. Can see over here also, can wipe it off. See how the difference of before and after. See how this plum is shining and how it was before as it was pura wo chemical se bhara hua tha, lekin ab isko dhone ke baad mein, is machine se saaf karne ke baad mein aap dekh sakte hain kitna effectively ye clean hua hai. Aur mushrooms ka to aap dekh hi lijiye, bahut hi sundar beautifully clean hua hai. पूरा उसका जो गंदगी था सब निकल गया है. तो देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से हमने सब वेजिटेबल्स जो है, फ्रूट्स जो है, हमने क्लीन कर लिया है इस वेजिटेबल क्लीनर से.
और इसको हम लोग बस जो बकेट है इसको हम लोग उठा भी सकते हैं क्लीन करने के लिए, इसको हम लोग साफ करके नीचे से क्लीन कर सकते हैं, पूरा जो गंदगी है वो सब निकाल सकते हैं और ये वॉश करके ये पूरा वापस से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। इसमें क्लीनिंग भी बहुत इजी है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो प्लीज एक थम्स अप जरूर दीजिएगा। ये ओजोनाइजर के लिए लेक्सक्रू की तरफ से है, सेफ जोन ओजोनाइजर। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। बस इसको यूज करते वक्त ध्यान रखिए कि ये आप किसी भी क्लोज्ड रूम में मत रखिए। इसको रखते वक्त आप या तो ऐसी जगह रखिए जहाँ से प्रॉपर वेंटिलेशन होगा, जहाँ पे आपको प्रॉपर, जहाँ पे जो भी आपका वेंटिलेशन वो प्रॉपर होगा, ताकि कोई गैसेस अगर होंगे तो उससे आपको तकलीफ ना हो। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। और रवि माधो को देखने के लिए धन्यवाद। आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और ये वीडियो को प्लीज एक थम्स अप जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।